भारतीय वायुसेना 7 देशों के साथ मिलकर इजराइल में अब तक के सबसे बड़े और मुश्किल मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेगी। भारत इजराइल के अलावा इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ग्रीस, इटली और जर्मनी जैसे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। इस वजह से कूटनीतिक तौर पर ये युद्धाभ्यास बहुत मायने रखता है। इजराइल में होने वाले ऐसे किसी भी मिलिट्री ड्रिल में भारत पहली बार शामिल हो रहा है, जिसमें इजराइल के अलावा कई देश हैं। बता दें कि 1992 में भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय रिश्ते बने थे, लेकिन तब से लेकर अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जुलाई में इजराइल दौरे पर जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद ही इस मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये डिटेल सामने नहीं आई है कि इस मिलिट्री ड्रिल में क्या क्या होगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इंडियन एयरफोर्स की टीम इजराइल में इस साल आयोजित ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।